अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राणा अदनान मुदस्सर है। आज मैं पीएम लिबर्टी मार्केट के बारे में बात करूंगा। पीएम लिबर्टी मार्केट बैरियर टाउन कराची में बनने वाला वो प्रोजेक्ट है जो प्रिसिंक्ट 8 के लूप रोड पे लिबर्टी कमर्शियल के दो प्लॉट्स को मिला के बनाया जा रहा है। और देखें, जो लिबर्टी मार्किट के नाम से जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो एग्जाम्पल दूंगा वो अली सकलैन वालों की SQ लिबर्टी मार्केट के नाम से एक मार्केट, एक बिल्डिंग बन चुकी है और वो पोजेशन भी मिल चुका है। वो बैरियर टाउन हेड ऑफिस के बिल्कुल करीब है और ये प्रिसिंक्ट 4 में जो लिबर्टी कमर्शियल के प्लॉट से वहाँ पे बन चुकी है। और अगर आप लोग विज़िट करना चाह रहे हैं उस एरिया को लाजमी देखें। 600, 650, 550 स्क्वेयर फिट में जो ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स दिए गए उसमें किस तरह के ऑफिस बनेंगे, इन चीज़ों को देखने के लिए आपको हम कोशिश करेंगे कि इसका एक टूर भी दें ये वाली लिबर्टी मार्केट का। अच्छा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि 4 फ्लोर पर मुश्तमिल ये मार्केट है, कोई 10, 20 या 15 मंजिला बिल्डिंग नहीं बनेगी। 1 से 1.5 साल में कंप्लीट होके आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सारे का सारा प्योर कमर्शियल प्रोजेक्ट है। इसमें बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक ये सारे कमर्शियल ऑफिसेज आपको मिलेंगे। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल इसकी मैंने दी है वो जो एक्टिव मार्केट है वो दे दी। इसके अलावा लिबर्टी ट्रेड सेंटर के नाम से जो एरिया वो भी बता दिया। अब इसमें ख़ास बात यह है कि हम लोग अभी रिकमेंड कर रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर के छोटी छोटी शॉप्स जो कि सेक्टर शॉप्स कहलाएंगी, वो प्रिसिंक्ट किसी भी प्रिसिंक्ट के लूप रोड पे ये मिल रही हैं। इसमें बुकिंग करवाना, इसमें इन्वेस्ट करना इस वक्त नहायत बेहतरीन अमल है। अगर आप लोग अभी ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स में और इन चीज़ों में आप लोग अगर अभी इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादा मुफीद इन्वेस्टमेंट होगी और आप लोगों को करनी भी चाहिए। ग्राउंड फ्लोर को मैं ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर पे देखें बहुत सारी अभी शॉप्स, मार्केट्स और ये चीज़ें बनेंगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे होंगे या इन्वेस्ट कर चुके होंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा रेंटल रिटर्न और जो कैपिटल गेन आप लोगों को मिलेगा वो आपके ग्राउंड फ्लोर की इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही मिलेगा। लेकिन इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना इस तरह से ज़रूरी है आपके लिए कि इन चीज़ों को आप लोग देखें परखें कि कितने एरियाज़ यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं, कितने परसेंट लोगों को पोजेशन मिल चुका है, कितने परसेंट लोग यहाँ पे जो है वो आबाद हो चुके हैं और कितनी आबादी होगी, कितने अरसे में होगी, कैसे होगी। और हाईली पॉपुलेटेड एरिया बैरियर टाउन कराची का आने वाले 3 से 5 साल के अंदर कौन कौन से होंगे, तो उसके अंदर मैं सबसे बेहतरीन एरिया कहता हूँ 3 से 5 साल के अंदर, जब ग्रैंड मस्जिद का एरिया, ग्रैंड मस्जिद की सराउंडिंग का एरिया मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं पर्सनली अप्रिशिएट करता हूँ और आप लोगों को बताता भी हूँ कि ग्रैंड मस्जिद की सराउंडिंग में बनने वाले सारे के सारे प्रोजेक्ट नहायत अहमियत के हामिल हैं। वहाँ बेशक रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, लेकिन ख़ासकर अगर ग्राउंड फ्लोर पे आप कोई शॉप लें, कल को आप लोग देखते हैं कोई मेडिकल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, कोई कॉफ़ी शॉप बनती है, कोई फूड चेन वाले आते हैं, सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड करेंगे हम लोग वो ग्रैंड मस्जिद की सराउंडिंग के इस एरिया को करेंगे, क्योंकि बैरियर टाउन में शायद ही ऐसे एरियाज़ हैं जो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों को यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें ग्रैंड मस्जिद की सराउंडिंग में अली ब्लॉक, प्रिसिंक्ट 8, प्रिसिंक्ट 10A, 11A का एरिया और बैरिया हाइट्स तक का एरिया और फिर बैरिया हाइट्स से आगे मिडवे कमर्शियल तक का एरिया, ये सारे का सारा सर्कल अगर आप देखते हैं आइंदा 3 से 5 साल के अंदर आपको ये पूरा मुकम्मल यानी फिलअप होता हुआ नज़र आएगा। यू कैन से कि दिस पर्टिकुलर एरिया विल बी हाईली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ बैरियर टाउन कराची। अगर आप लोग बैरियर टाउन में आ रहे हैं, इतने किलोमीटर्स का ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ आके आप लोग इन्वेस्ट करें या रिहाइश करें और फिर आपको खातिर खा कोई उसमें फ़ायदा ना हो तो वो गलत बात होगी, क्योंकि जब भी बैरियर टाउन में आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है मैं हमेशा ये कहता हूँ होमवर्क करें, स्टडी करें, कंपैरेटिव एनालिसिस देखें, चीज़ों को परखें, जांच लें और जो चीज़ बनने जा रही है बिल्डर क्या बनाना चाह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, कितने अरसे में बनाएंगे, फाइल वर्क कैसा होगा, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट कैसे होंगे, आप ऑनरशिप को क्लेम करें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को गलत हाथों में तो नहीं दे रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड साउंड है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप लोग ये ज़रा अंडरस्टैंड करें। और फिर ये देखें कि आप कोई अलग थलग जगह के ऊपर आप लोग ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप लोग ये एक ऑलरेडी पॉपुलेटेड एरिया के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ ग्रैंड मस्जिद जैसा बहुत बड़ा शाहकार बन चुका है जिसको अभी एक्टिवली जो है ना बैरियर टाउन इंशाल्लाह ओपन कर देगा पब्लिक के लिए।
और इसकी सराउंडिंग में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, हाई राइज भी हैं, कमर्शियल भी हैं, फिर विलास पर मुश्तमिल, प्लॉट्स पर मुश्तमिल, तो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो इसलिए पीएम लिबर्टी मार्केट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ग्राउंड फ्लोर पर मैं ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ कि 500, 550, 600, 650 स्क्वायर फिट की छोटी शॉप्स जो कि आप लोग अवेल कर सकते हैं, इस वक्त बेहतरीन मौका है इसको बुकिंग के लिए, और अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी एडजस्ट करवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए गए, हमारी टीम से आप रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।